नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज बात करूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम भोजपुरी रहस्य, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, जो कुछ बातें हैं उससे रिलेटेड आप सबके बीच में मैं बात करूंगा। जी हाँ, सब जानते हैं कि भोजपुरी में दो विवाद चल रहा था, पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी को लेकर। जी हाँ, आप सबको जैसे जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये विवाद अब काफी शांत पड़ गया है, लेकिन एक भोजपुरी के कोई चैनल वाले हैं जिसका नाम है महेश पांडे जी, इनको पता नहीं है कहाँ से, मतलब कहाँ से कुछ भी उठा के डाल देते हैं। आप सबको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जिससे एक बार अभी पिछले इनके वीडियो में आया था, तबादला का शेड्यूल का इन्होंने प्रूफ दिखाया था, कहा था कि पवन जी आते हैं लेट। तो इनको मैं एक बार जवाब दे देता हूँ, महेश पांडे तुमको जवाब देता हूँ मैं, जो तुम ये दिखा रहे हो सबूत ना, वो जो डायरेक्टर है ना तबादला का, तुमको पता होना चाहिए कौन डायरेक्टर है, विनोद तिवारी। जी हाँ, विनोद तिवारी उसका डायरेक्टर है, और वही डायरेक्टर फिर से लव इन गोवा करने जा रहा है, और उसका इंटरव्यू भी तुम सुने होगे। तुमको बोलता हूँ, तुम हर वीडियो में बोलते हो कि मुझसे तुम करके बात नहीं करो ना, मैं तुमको बोल रहा हूँ महेश पांडे तुम करके बोलूंगा। तुम बोलते हो कि पवन सिंह जी सेट पर लेट आते हैं, तबादला मूवी का तुम शेड्यूल दिखा रहे थे, तुमको पता होना चाहिए कि उसके डायरेक्टर जो उसके प्रोड्यूसर है वो आकर कभी नहीं बोले। हाल फिलहाल में जय हिंद फिल्म का जो डायरेक्टर थे फिरोज खान, वो आकर एक इंटरव्यू दिए थे, बोले थे कि पवन जी सेट पर 4:30-5 बजे करीब करीब पहुंच जाते हैं, उस पर तो तुम कुछ नहीं बोले। चंद पैसों के लिए ना किसी की गुलामी करना छोड़ दो, इज्जत से अपना चैनल चलाओ, अपना नाम कमाओ, किसी के चंद पैसों के लिए गुलाम बन के मत काम करो। जब चैनल चला रहे हो तुम, तो सबका पक्ष लेके चलो। तुम वो ऑडियो वायरल करते तो सबसे पहले तुम्हारे चैनल पे वो ऑडियो कैसे आ रहा है, तुम्हारे चैनल पे ऑडियो कैसे आ रहा है, यानी तुम मतलब यही है ना कि चापलूसी वाली काम कर रहे हो, पैसे लेकर काम कर रहे हो। जब ये भी संजय वर्मा ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें खेसारी लाल को बोला था कि खेसारी लाल के साथ भी उनका अफेयर था अक्षय सिंह का, तो तुम उनके खिलाफ बोल गए। क्यों बोले भाई, तुम जानते हो, तुमको पता है, तुम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, जो इंडस्ट्री का बंदा बोले था। क्यों, जब तुम बोल कभी कभी इंटरव्यू में तुम अपने वीडियो में बोलते हो कि ये गाने वो गाने, तो खेसारी लाल के गाने क्यों गए थे, गोली में गोली मार दें, इस पर तो कभी नहीं बोले। बात करते हो यहाँ पे, ये दिखाते हो ना, जो आपको बता देता हूँ विनोद तिवारी ने क्या कहा था, भोजपुरी में सिर्फ एक ऐसा एक्टर है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, वो पवन सिंह है, लव इन गोवा। ये इंटरव्यू देख लेना तुम, और ये शेड्यूल दिखा रहे हो ना, तो आपको बता देता हूँ एक और विलेन है, अवधेश मिश्रा, उन्होंने क्या कहा था, शेर अपने मर्जी का मालिक होता है, तो इसका कुछ गलत तुम सोच मत बिठा लेना। मेरे कहने का मतलब है शेर अपने मर्जी का मालिक होता है, ठीक है, लेकिन एक बात तुमको बता देता हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भी लेट जाता हूँ सेट पर, अवधेश मिश्रा भी लेट जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए, उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा था। गलती किसकी होती है वहां पे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, उनका सेटअप तैयार नहीं होता है। तुमने दिखा दिया प्रूफ कि हाँ ये है तबादला मूवी का, कि ये कौन सी जी यहाँ पे आए थे, इतने लेट आए थे, तो तुमने जानने की कोशिश की कि वो क्यों लेट गए थे, क्या कारण था। तुमने ज्योति सिंह का और पवन सिंह का ऑडियो एक वायरल कर दिया था, जो ज्योति सिंह की वाइफ है पवन सिंह, उनका ऑडियो एक वायरल किया था, तुम बोल रहे थे ये देखिए प्रूफ है ऐसे ऐसे, तुम्हारा दिमाग खराब था, तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की। जब नहीं जान रहे हो तो इस पर नहीं बोला करो, नहीं तो सीधा खुलेआम बोलो हाँ कि मैं उसका चमचागिरी कर रहा हूँ, उससे पैसे मिल रहे हैं, इज्जत से पैसा कमाओ, बहुत आगे जाओगे। और तुमको मेरा चैनल है, मेरा भोजपुरी रस ठीक है ना, इसके माध्यम से मैं तुमको ये बातें बोल रहा हूँ, और तुमको मैं चैलेंज करता हूँ महेश पांडे, तुमको इसके जवाब में वीडियो जरूर देना मेरे को, और बाकी पूरी पब्लिक जानती है कि कौन क्या है। तुम खेसारी का न्यूज बनाते हो, पवन सिंह का नाम नहीं लेते हो, और पवन सिंह का न्यूज बनाओगे तो उसमें खेसारी का बात घुसेड़ देते हो, क्यों। जब तुम किसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो किसी एक का पर्टिकुलर बनाओ, अगर खेसारी के, जब मैं खेसारी में पवन का नहीं डाल सकते तो पवन में खेसारी को मत घुसाओ, और ये विवाद शांत हो रहा है ना, तो तुम इसको चंद पैसे के लिए ना।